अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा सुहे व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जी आज हम अपने व्लॉग में बनाने जा रहे हैं अंडा करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। और जो लोग लाइक करते हैं ज़रा शोरबा टाइप ग्रेवी खाने के लिए, तो उसके लिए जी बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी में हम यूज़ करने जा रहे हैं बेसन। जी हाँ, हम अंडा करी में आज बेसन यूज़ करेंगे। बेसन के साथ हम इसकी करी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी बनती है। तो इसमें जी हमने ले लिया है तकरीबन 2 टीस्पून के करीब जी बेसन लिया है। इसमें अब मैं चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, और जी साथ में मिर्च लूँगी 1 बड़ा चम्मच, और साथ में दड़ा मिर्च मैंने यूज़ की है 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा यूज़ किया है 1 टीस्पून के करीब, और साथ में जी नमक यूज़ करूँगी मैं 1 टेबल स्पून, और जी लास्ट पे हम यूज़ करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से जी कर लेंगे मिक्स, और साथ में सूखा धनिया डाल देंगे 1 टेबल स्पून। इस मिक्सचर को हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जी तमाम जो है हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें जी मैं जो इसके अंदर पानी डालूंगी, ताकि ये लिक्विड थोड़ा सा फोम बन जाए, और जब हम इसको अपने ग्रेवी या सालन में डालें तो बहुत ही मज़े का ये लगे। तो इसमें जी मेरे पास चिकन स्टॉक पड़ी थी, मैं साथ में जैसे कि आपको पहले मेरा व्लॉग देखा हो कि मैंने रोल फ्राई किए थे, जो कि स्प्रिंग रोल थे, उसकी जो मैंने चिकन फ्राई करने चिकन उबालने के लिए रखी हुई थी, उसमें से थोड़ा सा चिकन स्टॉक बच गया था। तो मैं उसके साथ इस बेसन को ज़रा मिक्स कर लूँगी, ताकि हमारी अच्छी सी लिक्विड सी एक मिक्सचर जो बन जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया, और उसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने पीस के डाल दिया, और उसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पे मैं चिकन स्ट्रोक इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन के अंदर, और इसको जी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि जी पतला सा हमारा एक टेक्स्चर सा रेडी हो जाए, और जब हम इसको अपने सालन में डालें तो वो आराम से जी मिक्स हो जाए, और तमाम मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे जी हमारा लहसुन अदरक और हरी मिर्च और जो प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। हमने ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मैं जी अपने तमाम मसाले वगैरह या जो भी चीज़ें हैं प्याज लहसुन अदरक वगैरह को पीसती नहीं हूँ। तो मैं इसी तरह से इसको ग्रेवी को बनाती हूँ, ताकि जी हमारी जो सालन की जो शक्ल है वो अच्छी सी खूबसूरत सी बने, और जो जो ऑयल है कुकिंग ऑयल वो भी निकल के बहुत अच्छा आता है। जब हम इसको मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में डालकर करते हैं तो फिर उसकी जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें टमाटर और जी जो आलू हैं वो अच्छे से डाल दिए हैं, ताकि इसके साथ लग लग के जो हमारा प्याज है और लहसुन अदरक है वो तमाम जो चीज़ें हैं अच्छे से पिस जाएं, और जो हमारा टमाटर है वो भी नरम हो जाएगा और वो भी पिसना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो ग्रेवी है उसमें बिल्कुल भी मुंह में जो खड़ा खड़ा सा प्याज या फिर टमाटर वगैरह आते हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तमाम चीज़ों को, ताकि जी हमारी तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएँ। और जी इसको हमने अब अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जी आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाना है, इससे हमारे जो आलू हैं वो भी थोड़े से भुन जाएंगे, और वो जल्दी फिर फ्राई होने से क्या होगा कि वो जल्दी हमारे गल भी जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मिक्सचर अभी डाला है उसी में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के जो है इसके अंदर डाल दिया, ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा मिक्सचर है जो कटोरी के साथ चिपका वगैरह है वो भी हमारा निकल आए। इसके अंदर डाल के हमने इसको अच्छे से जी तमाम सालन को भून लेना है। फिर भूनने के साथ ही जब हमें लगे कि हमारा तेल जो है छूटने लग गया है, सालन में हमारा निकलना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया कुकिंग ऑयल, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, पानी शामिल कर देंगे। जितने आपने ग्रेवी बनानी है आप उस हिसाब से ये ग्रेवी बना सकते हैं। तो अंडा करी की एक और रेसिपी भी है, जिसमें जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल थिक थिक सी होती है, और उसमें दही और क्रीम वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बनाऊँगी ज़रूर। तो यहाँ पर जो लोग शोरबा टाइप चीज़ें खाना चाहते हैं, जिनको ज़रा क्रेविंग्स होती हैं कि हमें थोड़ा सा शोरबा टाइप खाना है, तो फिर ये उनके लिए बेस्ट 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 रेसिपी है। तो आप इसमें पानी डाल के तो इसको अब छोड़ दें, ताकि जो हमारे आलू अच्छे से गल जाएं, और सारा मसाला वगैरह उसका भी अरोमा जो है आलू के अंदर आराम से चला जाए। तो यहाँ पे मैंने 4 अंडे उबाल लिए थे, और हमारा शोरबा था
बिल्कुल कर चुका हुआ था और जितना हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो बिल्कुल बन गया था। तो फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं अंडे, उबाल कर शामिल कर दिए हैं, और लास्ट पे हम डालेंगे धनिया, और हमने तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसमें लास्ट पे डाल देना है गरम मसाला। गरम मसाला जो है इसे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और लास्ट पर डालने से इसका अरोमा भी बहुत अच्छा आता है। और अगर आप पहले गरम मसाला यूज़ करेंगे और डाल देंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो सालन है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और वो और दूसरा जो है वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट देगा। तो यहाँ पे जी हमारी जो अंडा करी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है, मज़ेदार सी। और जिन लोगों को शोरबा टाइप चीज़ें खाना पसंद है, अमूमन जो ज़रा थोड़े से ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको ज़रा शोरबा टाइप चीज़ें खाने की पसंद आती हैं, तो फिर वो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे जी हेडसेट है जो कि मैंने आपको दिखाए थे कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो मैंने कहा कि मैंने अपने यूट्यूबर जो हैं जो हमारे सारे मेरे यूट्यूबर्स हैं उनको मैंने ये दिखाया ही नहीं है कि मैं इनको ओपन करके आपको दिखाती कि ये कैसे काम करते हैं और कितने अच्छे हैं। और जी इनका नाम है जी Air31, बहुत ही अच्छे ये काम करते हैं, और आवाज़ भी बहुत इनमें प्योर बिल्कुल आती है, और फट फट के आवाज़ नहीं आती। और मैं जब भी आपको पता है कि सबिया जब सो जाती है तो फिर उसके साथ मैं आवाज़ों के साथ काम नहीं कर सकती, तो फिर मुझे क्या करना होता है कि फिर मुझे ईयरफोन चाहिए होते हैं या हेडसेट चाहिए होते हैं जिसे फिर आवाज़ बिल्कुल ना बाहर जाए और सबिया भी सोती रहे और मैं अपने काम भी कर लूँ। तो फिर जब भी मैंने यूट्यूब का काम करना होता है फिर आपको पता है कि आवाज़ की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पर ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक गाना होता है, कुछ चीज़ करनी होती है। तो उन चीज़ों के लिए जी मैं मुझे ईयरफोन चाहिए थे, तो जो वायर वाले थे वो अक्सर सबिया अगर देख लेती थी तो वो मेरे कानों से खींचना स्टार्ट कर देती थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ में छोटा सा इसका प्लग है जिससे जी इसको हम चार्ज करते हैं, और जी ये इसकी छोटी सी बुक है जिसमें इसके काम करने का तरीका बताया है कि क्या क्या है इसमें, फीचर्स क्या हैं और क्या क्या है इसमें जो है हम काम कर सकते हैं। तो जी अब मैं इसको आपको लगा के पूरा कंप्लीट दिखाऊंगी। मैं इसको पहले से ओपन कर चुकी हुई हूँ, तो ये आप लोगों के लिए मैंने दोबारा से इसको जो है अपने लोगों को, अपने जो मेरे जिन्हें मुझे देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैंने कहा कि आपको भी इसकी जो है चीज़ें मैं शेयर करूँ, ताकि अगर आप लोग भी ये परचेज़ करना चाहते हैं और आपको ये पसंद आए तो आप लोग भी ये ले सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से थम्स अप है, बहुत ही अच्छे काम करते हैं, और बैटरी भी इनकी बहुत अच्छी टाइमिंग की है, तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं गिरती, आराम से आप सुकून से तकरीबन 4 से 5 या 6 घंटे आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इनकी बैटरी लो नहीं होती। तो ये जी इनके छोटे छोटे से ईयरबड्स हैं जो कि हमें इसके अंदर लगा के, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने जो है आराम से इसके अंदर हो जाते हैं। अंदर इसके मैग्नेट लगा हुआ है तो जो बिल्कुल भी जब हम इसके पास लेके जाते हैं वो बिल्कुल अंदर फिक्स हो जाता है, और साथ में जी फ़ौरन ही ये अपना बैटरी टाइमिंग भी बता देता है कि इसकी बैटरी कितनी है। तो यहाँ पे इसकी जी 98 बैटरी है, बहुत ही ये प्यारे लगते हैं, और इनके मुख्तलिफ कलर्स हैं, ग्रे कलर में भी है, ब्लू कलर में भी है, और जी ये ब्लैक कलर में भी है, वाइट कलर में भी है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए ब्लैक लेके आए थे। आई होप सो कि मेरी ये रेसिपी और ये जो एयर हेडसेट की जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं आपको पसंद आएंगी, और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।